तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बीते दिन सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। खबरों के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। स्टालिन ने आगे कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। स्टालिन के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में ये धमाका। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद अ प्रॉपर कंक्लूजन। और ये भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आपने? और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। दरअसल उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं।